वेलकम दोस्तों टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे 7CR वुडन गीता टेम्पल। ये मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले दो तीन चीजें जो कि आपको बताना जरूरी है। पहले मैं सोचा इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्या भगवान के लिए एक चीज है उसका भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ लोग तो गाली देंगे, भगवान के लिए एक छोटा सा टेम्पल ले रहा है उसका भी तो वीडियो बना के डाल रहा है, कुछ कमेंट्स आएंगे ऐसे। एंड मैं पहले सोचा इसका वीडियो मैं नहीं डालूंगा, लेकिन उसके बाद मैं और थोड़ा सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने घर में भगवान को रखने के लिए एक अच्छा सा टेम्पल लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो ऑनलाइन फोटोज देख रहे हैं तो फोटोज में अच्छा लग रहा है, लेकिन कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो फिनिशिंग अच्छा नहीं है, फिनिशिंग बहुत ही खराब है, ये सब कमेंट्स भरे पड़े हैं। एंड कुछ ऐसे टेम्पल भी हैं जो कि मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है, आउट ऑफ बजट है, जिसका रिव्यूज तो अच्छा है लेकिन वो आउट ऑफ बजट है। एंड कुछ लोगों को ये भी चाहिए कि हमारे घर में थोड़ा स्पेस कम है तो जो वॉल हैंगिंग होगा तो फिर वो बेटर रहेगा हमारे घर के हिसाब से। एंड मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि लोग अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। एंड बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इसको परचेस किया है। मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग तो है नास्तिक, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ भगवान पे, सो मेरे घर के लिए ये टेम्पल मैंने लिया है। एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे वीडियो देख के कुछ लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस मिले कि ये टेम्पल कैसा हो सकता है। कमेंट्स में कुछ आ रहा है, फोटोज में कुछ डिफरेंट दिखता है, तो वीडियो में क्या है पूरा दिख जाएगा। एंड मैंने इसको खुद खरीदा है सो आपको मालूम ही चल जाएगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। सो इसको अनबॉक्स करते हैं। एक चीज है, मैंने हमेशा वो अपने ध्यान में रखा है कि मैं अगर टेम्पल लूँ तो ऐसा ही नहीं सिर्फ भगवान को वहाँ पे रख सकूँ, उनकी थाली रख सकूँ, या फिर जो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं उसके लिए स्पेस रहे, साथ ही साथ में जो सारे दूसरे चीज रहते हैं एंड भगवान का जो प्रसाद है, कड़ी शक्कर या फिर नकुल दाना, वो रखने के लिए भी, मतलब उसका जो पैकेट आता है वो रखने के लिए भी मुझको थोड़ा जगह जरूरत था। मैं भी चाहता था उसको भी मैं अच्छे जगह पे रखूं, तो इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है कि मेरा जो भगवान का मंदिर है वो भी रहेगा, साथ ही साथ भगवान के जो चीजें हैं वो रखने के लिए भी मुझको जगह मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हटा लिया ढक्कन, इसका जो सेलो टेप है मैं ऑलरेडी काट दिया था। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। हमको अनबॉक्सिंग इसको करना है। मेरे पास नाइफ तो नहीं है, लेकिन है ये पेन, इससे ही अनबॉक्सिंग करते हैं। सो दोस्तों मैंने के लिए इसके कंपोनेंट्स को अनबॉक्सिंग, मैं ये दिखा देता हूं। ये है पूरा वुडन एंड आप साइड में देख सकते हैं इसका फिनिशिंग एकदम अच्छा है, मुझको अच्छा लगा। मैंने ऑनलाइन पहले ही चेक किया था तो उसके बाद मुझको इम्प्रेसिव लगा। एंड फिनिशिंग भी अभी इसका भी देख लेते हैं, ये सब सही लग रहा है। इसमें आपको 5 पार्ट्स मिल जाते हैं, 1, 2 आप देख सकते हैं, 2 और 2, 4 एंड ये ओम लिखा हुआ है, दिस इज द 5th पार्ट। तो इन दोनों में से देख लीजिए पहला बड़ा पार्ट कौन सा है। देखिए एक बड़ा पार्ट रहेगा, एक छोटा पार्ट रहेगा, ये ऐसा सिमिलर 2 पार्ट रहेगा, इसको पहले साइड में कर दीजिए। एंड उसके बाद ये जो ओम लिखा हुआ है इसको भी साइड में कर दीजिए। एंड उसके बाद अब जब देखेंगे ना, एक देख सकते हैं एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला आएगा नीचे। नीचे क्या करना है, इसको ऐसे रखना है सबसे पहले, एंड उसके बाद जो ये ओम लिखा हुआ है इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट कर देंगे कैसे, इसका जो देखिए ये साइड में ऐसा दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये ओम लिखा हुआ पार्ट आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लगा लीजिए। दिस पार्ट ये ऐसा हो गया। एंड नेक्स्ट वन,
सो अभी देख सकते हैं आप लोग, आपके साइड में घुमा देता हूँ। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, ये सामने का साइड रहेगा एंड ये बैक साइड रहेगा, बैक साइड में ऐसा दिखेगा। सो इसको रखते हैं एंड ये जो ओम लिखा है आप देख सकते हैं, ओम लिखा है। सो इसको ऐसे हम लोग, सो जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिट होगा। तो कैसे देखते हैं, ओम वाला हिस्सा आ गया। सो ये देखिए पहला वाला हिस्सा फिट हो गया एंड इसके ऊपर जो रहेगा दिस वन या फिर कोई भी साइड आप यूज कर सकते हैं। सो इसको भी फिट करना है, ये भी यहाँ पे फिट हो गया। सो दोनों हो गया, थोड़ा झुक के है। सो आप लोग देख सकते हैं इसको लगाने के बाद ये झुक गया है, ये एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए लेकिन ये ऐसा झुक गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिट करेंगे। सो इसका क्या फंक्शन है दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फिट होगा इसमें यहाँ पे, और ये जो नीचे दो देख रहे हैं ये इसमें फिट हो जाएगा, एंड ये वाला देख रहे हैं ये इसका जो साइड में जो मिडिल में है ये वाला फिक्स हो जाएगा। तो एक साइड करके देखते हैं। सो दोस्तों पहला साइड हो गया है फिट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जॉइंट हो गया। तो सेम तरह ये साइड भी फिट होगा, तो देख लेते हैं। इसको लगाते हुए आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा, हल्का सा, क्योंकि ये वुडन है तो थोड़ा सा ये जॉइंट्स को लगाने के लिए हल्का सा प्रेशर चाहिए। So this is all set, our wooden temple assembling has done. अब लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू भी दे देता हूँ। सो मैं जो लाता हूँ ये काउ घी से बना हुआ मोमबत्ती, सो इसका पैकेट भी मैं अंदर रख सकता हूँ, अंदर ऐसा मैचेस भी रख सकता हूँ, जो भी भगवान के लिए चीजें हैं वो मैं ये नीचे वाले शेल्फ में रख सकता हूँ। अभी तो मैं भगवान का मूर्ति नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको भगवान का मूर्ति यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं जिस डेमो के लिए, यहाँ पे उनका जो थाली रहता है या फिर ग्लास रहता है वो भी रख सकते हैं, एंड साथ ही साथ में जो मोमबत्ती है वो भी एक मोमबत्ती दानी में रख के भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो बहुत सारा स्पेस आपको ऊपर भी मिल जाता है एंड नीचे बहुत कुछ रखने के लिए भी आपको स्पेस मिल जाता है। आप चाहे तो एक गीता का बुक भी ये नीचे वाले सेल्फ में रख सकते हैं, जैसा इस प्रोडक्ट के फोटोज में दिखाए गए हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। भगवान के लिए जो सामग्री होता है वो सब आप जैसे ये मोमबत्ती, ये मैचेस, ये मोमबत्ती, ये सब आप नीचे वाले सेल्फ में भी रख सकते हैं। दोस्तों इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। अभी तो मैं बहुत से लोगों से गालियां खाने वाला हूँ कि तुमने भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर लिया उसके लिए भी वीडियो बना डाला, लेकिन दोस्तों मुझको लगता है इस वीडियो से बहुत से लोगों को एक रेफरेंस मिलेगा, एक सहायता मिलेगा, अपने भगवान के लिए अच्छा मंदिर खरीदना चाहते हैं वो भी बजट में, तो उनके लिए एक डेमो मिल जाएगा ये। एंड सेम प्राइसेस में मैंने बहुत सारे होम टेम्पल ऐसे देखे थे कि ऊपर से भी ऐसा कवर्ड, मुझको वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा, मतलब मुझे दरअसल थोड़ा सा ओपन टेम्पल जैसा ऐसा चाहिए था। बहुत से लोगों को वो पसंद आएगा क्योंकि हर लोगों का चॉइस अलग अलग है, लेकिन मुझे थोड़ा ओपन वाला ऐसा चाहिए था, सो मैं ये लिया। सो दैट्स इट गाइस, आप देख सकते हैं चारों ओर से इस टेम्पल को, इसको आप ये दो पॉइंट देखिए, इन दो पॉइंट में आप इसको वॉल हैंगिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।